नया सुरंग जो बन रहा है अभी, इसका काम अंडर कंस्ट्रक्शन में है। आप लोग देख सकते हैं बहुत मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और मतलब जब बन के जाएगा ये पहाड़ काट के ये सुरंग बनाया जा रहा, और एक सुरंग में हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये सुरंग अंडर कंस्ट्रक्शन में है भाई साहब। भाई साहब 50 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं जमालपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है JMP। यहां पर फिलहाल 4 प्लेटफॉर्म है और यहाँ 132 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है। 32 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 32 टर्मिनेट जमालपुर जंक्शन से। जमालपुर जंक्शन को किस लिए जाना जाता पता है? यहाँ से एक लाइन मुंगेर के लिए गई है और एक लाइन भागलपुर जो हावड़ा दिल्ली गई है उस लाइन से आ रहे हैं, दो लाइन गई, इसीलिए इस जमालपुर जंक्शन को जंक्शन के नाम से जाना जाता है। और फिलहाल हमारी ट्रेन 50 मिनट डिले आई है भाई साहब। पहुँच चुके हैं क्यूल, और क्यूल फिलहाल हम लोग 25 मिनट बिफोर पहुँचे हैं, और जाके थोड़ा पानी ले लेते हैं, पानी ख़त्म हो गया, गर्मी भी काफ़ी है और भाई धूप भी बहुत ज़्यादा है, और देखते हैं पानी ले लेते हैं फिर उससे बात आपसे डायरेक्ट अब मिलेंगे पटना जंक्शन पर। हम लोग पानी ले लिए हैं, चलते हैं अब अपने कोच में, वहाँ जा के आराम से बैठेंगे। अब धूप बहुत है और एसी भी चिल है, अभी बोले थे तो किया है, किए हैं भैया लोग चिल किया है। अब देखते हैं जाते हैं तब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट पटना जंक्शन पर। अब पटना जंक्शन पर सोच रहे हैं खाना ऑर्डर करने का, देखते हैं कहीं पर ऑर्डर किया जाएगा, देखते हैं।
पटना फिलहाल अभी, और देखते हैं खाना लेना है। खाना का ऑर्डर अभी तो फिलहाल हम नहीं किए हैं, खाना ले लेते हैं फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। फिलहाल अभी मैं खाना ऑर्डर नहीं किया हूँ, और अभी मैं स्टेशन पर से ही देखते हैं वेज बिरयानी या अंडा बिरयानी जो मिल जाए ले लेते हैं। हम लोग अभी फ़िलहाल टाइम से तो चल रहे हैं, 10 मिनट डिले से चल रहे हैं, लेकिन हम लोग बिहार स्टेट से पहुंच चुके हैं यूपी स्टेट, और आपसे मुलाकात करते हैं दिलदार नगर में, फिर उसका अपडेट देते हैं। और मुझे थोड़ा नींद लग गया था, काफ़ी जोरों की रात भर की थकान थी, इसी कारण नींद लग गया था, मैं सो गया। और आपको दिलदार नगर पर मिलते हैं, उसका अपडेट देते हैं। और फिलहाल हमारी ट्रेन, क्या बोले भाई साहब, एकदम फुल स्पीड की रफ्तार में चल रही है, दौड़ रही है। चलिए देखते हैं, आप स्पीड देखिए स्टेशन को। से हम लोग पहुंच चुके हैं यूपी का दिलदार नगर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DLN। फिलहाल यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है, 103 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है, 4 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 4 टर्मिनेट दिलदार नगर जंक्शन से, और हमारी ट्रेन 10 मिनट डिले आई है भाई साहब। चलिए मिलते हैं डिपार्चर पर इसके, देखते हैं इसका डिपार्चर ब्रह्मपुर मेल का। हॉन्किंग हो गई है, बहुत शानदार हॉन्किंग की थी, और चलिए हॉन्किंग हो गई। 2 मिनट का बस हॉल्ट था, झंडी भी दे दी है गार्ड साहब ने यहाँ, और हम लोग लेते हैं दौड़ते। और आपसे भाई साहब अब मिलते हैं डायरेक्ट मुगल सराय ठीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिलता है ब्रेकफास्ट खाने के लिए। शाम का नाश्ता होना चाहिए, दोपहर का तो बिरयानी खाए थे सही था, और फिर उसके बाद देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर रात का खाना देखते हैं, ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, देखते हैं क्या होता है। मजा है, पानी है, ठंडा पानी, मजा है। भाई सायरन दे, सायरन। आप लोग देख सकते हैं गाइस, WAG-9 बैग लुधियाना का सेट लगा हुआ है, और इसमें फिलहाल आपको अब हम लोग कुछ ही देर में इंटर तो एक्चुअली कर चुके हैं यूपी, और कुछ ही देर में हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचने वाले हैं। और आप लोग देख सकते हैं फिलहाल हमारी ट्रेन धीरे 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 रेंगते हुए चल रही है। ओ भाई साहब, जस्ट सामने मेरी लगी हुई मालदा दिल्ली मालदा यानी फरक्का स्पेशल, और इसको हम लोग अभी ओवरटेक तो नहीं कर रहे, अभी फिलहाल हमारी ट्रेन आई है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी ट्रेन अराइवल ले चुकी है। मेल अब पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसका स्टेशन कोड है DDU। यहाँ फिलहाल 8 प्लेटफॉर्म है, 564 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है, 22 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 22 टर्मिनेट
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। फिलहाल मैं इस जगह की बात करूं तो ये एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है भाई साहब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और ये मुगल सराय डिवीजन के अंतर्गत आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। और हमारी ट्रेन ब्रह्मपुत्र मेल 20 मिनट बिफोर आई है। और चलिए मिलते हैं डिपार्चर पर, तब तक हम अपने लिए कुछ नाश्ता ले लूँ, तब तक आपसे मिलते हैं, देखते क्या क्या नाश्ता में मिलता है और ब्रेकफास्ट में देखते हैं। और जस्ट हमारी ट्रेन फिलहाल शायद 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है और 20 मिनट बिफोर हमारे दो भैया मिले हैं। और देखिए ये लोग भी बोल रहे थे, आपका नाम क्या हुआ? गणेश कुमार। और आपका? रंजीत। और रंजीत कुमार, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमारे एशिया का सबसे नंबर वन प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड भी है। सही बात है। ये 8 नंबर प्लेटफॉर्म, एक्चुअली 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर पुरुषोत्तम सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो पुरी से नई दिल्ली जाती है वो भी अराइवल ले चुकी है आधा घंटा बिफोर। आप देख सकते हैं, अगर ओवरटेक, अगर पैरेलल रेस देखने मिल जाए ऐसे तो उसका 10 मिनट बिफोर डिपार्च है पुरुषोत्तम का हमारी ट्रेन से। अगर बाय द वे मिल जाता है तो बेहतर होगा, देखते हैं। ले चुकी है बिल्कुल राइट टाइम, और आप मेरे जस्ट सामने देख रहे हैं वो कामाख्या लोकमान्य तिलक आई है टर्मिनस, और वो भी जस्ट अभी 2 मिनट पहले अराइवल ली है। और हमारी ट्रेन डिपार्च ले चुकी है भाई साहब पंडित दीनदयाल। हमारी ट्रेन धीरे 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 डिपार्च ले रही है, देखिए अभी हमारी ट्रेन पूरा निकला भी नहीं है। हम लोग पहुंच चुके हैं मिर्जापुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MZP। यहाँ फिलहाल 3 प्लेटफॉर्म है, यहाँ 188 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है, यहाँ एक भी ट्रेन ना ऑरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट होती है। और मैं अगर इस डिवीज़न की बात करूँ तो यह आता है अलाहाबाद डिवीज़न के अंतर्गत नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। और मैं अगर इस जगह का दार्शनिक स्थल का बात करूँ, विध्वासिनी मंदिर है जो दशहरा के समय में बहुत यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, बहुत यहाँ पर जमावड़ा होता है श्रद्धालुओं का, बहुत भीड़ होता है दशहरा के टाइम पर। आप लोग आकर यहाँ विज़िट कीजिए और बताइएगा कैसा है यहाँ का विध्वासिनी टेंपल। चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पर, हमारी ट्रेन फिलहाल अभी 10 मिनट डिले आई है, 2 मिनट का हॉल्ट है और डिपार्च होती है तब मिलते हैं आपसे। हॉन्किंग हो चुका है भाई साहब और हमारी ट्रेन 2 मिनट के बाद डिपार्च ले रही है। आप लोग हॉन्किंग दे चुके हैं, चलिए बोर्ड करते हैं ट्रेन में और चलते हैं। हमारा 2 मिनट का हॉल्ट, 2 मिनट के बाद डिपार्च ले ली है हमारी ट्रेन फिलहाल मिर्जापुर जंक्शन से।
बाय बाय मिर्जापुर, फिर मिलेंगे। देख सकते हैं गाइस कितना सुहाना मौसम हो गया है एकदम, आप लोग देख सकते हैं बहुत। ऊपर तो काम चल रहा है देखिए, अब मौसम कितना सुहाना गया है देखिए आप। ओ भाई साहब एकदम गोल्डन गोल्डन कलर का है एकदम मौसम, और मौसम भी ने अपना साथ दिया, एकदम ठंडा हो गया है। अब हम लोग 35 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड PRYJ है। फिलहाल यहां 394 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है, 25 टर्मिनेट 25 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है 25 टर्मिनेट प्रयागराज जंक्शन से। और मैं इस लाइन की बात करूं तो यह मतलब झांसी और मुंबई की लाइन यहां के मिलती है। और मैं चलता हूं खाना लेने, अभी खाना फिलहाल मैं नहीं लिया हूँ, और खाना लेके आपसे मिलते हैं डायरेक्ट कोच में, काहे कि 10 मिनट का भाई टाइम है, जल्दी जल्दी करना होगा। मैं खाने की टेस्ट की बात करूँ तो फिलहाल सही है, रिकमेंड करूँगा आप लोग लेके खा सकते हैं। अंडा और चावल की बात करूँ तो फिलहाल इलाहाबाद से दिल्ली हुआ मैं खाया, फिलहाल सही था, आप लोग ले सकते हैं। टेस्ट गर्म था, हल्का था और टेस्ट सही था। अब क्या चाहिए 40 रुपये में मैं लिया था, और लिया था छोले चावल भी लिया था, उसका अभी मैं नहीं खाया हूँ, अभी फिलहाल थोड़ा ही किया और उसको खाऊंगा कानपुर में, तो कानपुर में देखते हैं फिर उसके बाद आपको देखते हैं क्या। और अभी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पर ले कर खा सकते हैं। देरी से पहुंच चुके हैं कानपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CNB। यहाँ फिलहाल 650 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है, 56 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है 56 टर्मिनेट कानपुर जंक्शन से सेंट्रल से, और 333 ट्रेन फिलहाल कोविड स्पेशल ट्रेन यहाँ से डिपार्च लेती है। और मैं बात करूँ इस ट्रेन की पंचुअलिटी की, आधा घंटा लेट आई है यह ट्रेन, और इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा डायरेक्ट अलीगढ़ जंक्शन पर, और देखते हैं अभी फिलहाल देख लेते हैं क्या क्या है बाहर में, देख लेते हैं आपसे, फिर उसके बाद चलते हैं कोच में, फिर सो जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे अलीगढ़ जंक्शन पर। जी हाँ, हम लोग एक घंटा की देरी से पहुंच चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ALJN, और यहाँ फिलहाल 172 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है, 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है 6 टर्मिनेट अलीगढ़ जंक्शन से। जी हाँ, अलीगढ़ का क्या चीज़ फेमस है पता है आप लोग को, अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, अलीगढ़ ताला। और यहाँ और एक चीज़ फेमस है, अलीगढ़ का मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिलहाल हमारी ट्रेन दो मिनट का हॉल्ट है, और ज़्यादा बात करने का टाइम है नहीं मेरे पास, और मैं अभी जस्ट उठा था तो अलीगढ़ पे आपको देखा कि अलीगढ़ का मैं जस्ट आके देख लूं और आप लोग का ये ले लेता हूं। और हमारी ट्रेन के सिग्नल हो गई है, हमारी डिपार्च हो चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से, आप लोग देख सकते हैं।
चलिए आपसे डायरेक्ट अब मिलते हैं दिल्ली जंक्शन पर। आ चुके हैं, आपके देख सकते हैं सामने मिरर है और वॉश बेसिन में फिलहाल पानी तो आ नहीं रहा है और मिरर फिलहाल कह सकते हैं साफ है, लेकिन फिलहाल नीचे गंदा ऊपर साफ है, चेहरा तो पूरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और सामने एक्सटिंग्विशर है और चलते हैं बाथरूम में, बाथरूम का कंडीशन दिखाते हैं आपको, देखते हैं उसमें भी क्या पानी आ रहा है, क्या है नहीं है दिखाते हैं। फिलहाल मैं आ चुका हूँ वाशरूम में, वाशरूम में आप देख सकते हैं मिरर पूरा साफ है और पानी तो आ रहा है, वाशरूम में पानी आ रहा है और लिक्विड सोप तो रखा हुआ है। और बाथरूम का कंडीशन बात करूँ तो बहुत अच्छा है, थर्ड एसी में ऐसा बाथरूम लाजवाब है। और बाहर फिलहाल पानी नहीं आ रहा, अंदर में पानी आ रहा, अंदर में पानी का व्यवस्था है। तो हम लोग 15 मिनट की देरी से हम लोग पहुँच चुके हैं पुराने दिल्ली, जिसका स्टेशन को DL है, DLI है। और फिलहाल यहाँ 16 प्लेटफॉर्म है, 110 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है, 117 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 117 ट्रेन टर्मिनेट पुराने दिल्ली जंक्शन से। और मैं चलता हूँ बाहर, देखता हूँ कोई टेस्ट या टिकट चेकिंग होता है कि नहीं, और देखते हैं फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। ऐसे ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन का वाशरूम फ़िलहाल सही था और बाहर में फ़िलहाल पानी नहीं आ रहा था, मैं दिखाया आपको। इंटीरियर तो ऐसे मैं नहीं दिखा सका क्योंकि इंटीरियर बहुत साफ था, कोच का साफ सफाई अच्छा था, आरपी आप लोग भी रात में आ जा रहे थे, बहुत अच्छा ट्रेन था, पंचुअलिटी था। और जस्ट हम लोग के सामने लोक शक्ति एक्सप्रेस आई है, आप देख सकते हैं वो आई है एक्चुअली 11 नंबर प्लेटफॉर्म पर। और आप देखते हैं जब हम चलते हैं आपसे बाहर, बाहर में बात करते हैं। भाई साहब हम लोग अब बाहर आ चुके हैं, बाहर आने में कोई भी टिकट चेकिंग, कोई भी कोविड टेस्ट कुछ नहीं हो रहा है, बस आप लोग आइए और अपना बाहर निकल जाइए और जाइए, समझे। चलते हैं बाहर, आ गए हैं, अब देखते हैं बस लेते हैं या जो हो ओला टैक्सी लेते हैं, फिर जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच कर आपसे, और वीडियो को ये करते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।